मनावर SDM राहुल चौहान के निर्देशन में गांधी चौराहे पर कोरोना टेस्ट कैंप लगाया गया और प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदार, बेवजह घूमने वाले, बगैर मास्क वालों पर चलानी कार्रवाई करते हुए 41 लोगों पर चलानी कार्रवाई की गई। 10 लोगों को अस्थायी जेल भेजा और बेवजह घूमने वालों का स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें 44 लोगों का मौके पर कोरोना टेस्ट हुआ जो सभी नेगेटिव आए। SDM राहुल चौहान ने आमजन से अपील की कि वे अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, जरूरत पड़ने पर मास्क लगाकर ही निकलें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बाहर निकलकर अस्थायी जेल और चलानी कार्रवाई से बचें। चौहान, SDM मनावर, कोरोना को लेकर जो मनावर सब डिवीज़न में कार्रवाई चल रही है, लगातार ही चालानी कार्रवाई, जेल भेजना, दुकानें सील करना, 188 कार्रवाई करना, ये लगातार पुलिस और राजस्व नगरपालिका संयुक्त टीम द्वारा किया जा रहा है। और किस प्रकार से कोरोना महामारी में लोगों को समझाइश देकर या किस प्रकार से उनका सैंपल करवाकर, अभी कल जो है पुलिस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 44 लोगों का रेंडमली सैंपल किए गए गांधी चौक पर, जो कि 44 ही पूरे जो है वो नेगेटिव आए हैं। हम रेंडमली चेक करना चाहते थे कि क्यों, अगर जो लापरवाह घूम रहे हैं, जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का भी हमने सैंपल करा, जो कि सभी नेगेटिव आए हैं।